सो हे एवरीवन, क्या आपने भी जो है फ्लिपकार्ट पर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है और गाइज उसकी जो है शिपिंग हो गई है और वो आपको डिलीवर्ड होने वाला है, बट गाइज उसमें जो आपने एड्रेस फिल किया है वो आपने रॉन्ग डाल दिया है, या फिर गाइज आप जो है उसे किसी भी अदर रीजन से जो है आप उसे चेंज करना चाहते हो, या फिर आपने जो उसमें मोबाइल नंबर डाला है उसे जो है आप चेंज करना चाहते हो, या फिर उसमें जो है अल्टरनेट नंबर उसमें ऐड करना चाहते हो, मतलब दो नंबर ऐड करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप जो अपना एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर किस तरह चेंज कर सकते हैं। सो वीडियो को जो है लास्ट तक देखें, एंड गाइज वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, एंड वीडियो अगर आप कहीं भी स्किप नहीं करते हो तो मेरी 100% गारंटी है कि आपको जो है कहीं भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको जो है यूट्यूब पर कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपिल पटेल और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। देन वीडियो अगर आपको जरा से भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो है रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा कुछ इस तरह का, तो उसे क्लिक कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। सो चलिए लेके चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पर। सो लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। सो हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। सो आपको जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो हम इसे जल्दी से ओपन कर लेते हैं, एंड गाइज यहाँ पर गाइज हमें जो है अपने ऑर्डर्स के सेक्शन पर चले जाना है। सो आपको जो है माय अकाउंट के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर गाइज नीचे की साइड आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो आपको जो है अकाउंट के ऑप्शन पर चले जाना है, एंड यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा। सो आपको जो है उस पर भी क्लिक कर देना है, एंड उस पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आपको सारे के सारे ऑर्डर्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। सो आपको जौन सा भी प्रोडक्ट में जो है आपको अपना एड्रेस का नंबर चेंज करना है उसको आप जो है ओपन कर लीजिए, एंड गाइज नीचे की साइड जो हमें स्क्रॉल करना है। सो यहाँ पर जो है मैं आप अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड गाइज उसके नीचे जो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा चेंज आर एड आर न्यू नंबर का। सो गाइज यहाँ पर हमें जो है उस पर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पर आपका पहला बार नंबर जो है यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर अल्टरनेट नंबर का ऐड करने का एक ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा। सो हमें जो है यहाँ पर अपना नंबर जो है आपको जौन सा भी नंबर यहाँ पर ऐड करना है अपडेट करना है वो यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा, एंड गाइज सेव के ऑप्शन आपको नीचे आ रहा होगा। सो हमें जो है फिर उस पर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करते ही गाइज हमारा जो नंबर है वो यहाँ पर हमारा अपडेट हो जाएगा। सो हमारा जो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर थोड़ी चल रही है, सो हमें जो है यहाँ पर वेट कर लेना है थोड़ा। सो अभी जो आप ये लाइन देख पा रहे हो ये जैसे ही पूरी हो जाएगी तो आपका जो नंबर है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो हमारा नंबर जो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, देख पा रहे होंगे आप। एंड नीचे की साइड स्क्रॉल करोगे तो आपका जो है नीचे यहाँ पर आपको दो नंबर यहाँ पर, बट अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो तो आपको जो है एड्रेस की साइड में यहाँ पर चेंज का बटन आपको देखने को मिल जाएगा। सो हमें जो है सिंपल से इस पर क्लिक कर देना है, एंड क्लिक करते ही गाइस आपको जो है कुछ इस तरह के आपको जो भी एड्रेस है आपको आपने जितने भी एड्रेस बना रखे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, नहीं तो गाइस आप जो है यहाँ पर ऐड आ न्यू एड्रेस पर क्लिक करके जो है न्यू एड्रेस जो है क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सो यहाँ पर आपको जो है अपना सिंपल सा सिटी वगैरह आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको फिल कर लेना है और सेव के ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। अगर आप न्यू एड्रेस क्रिएट नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है उसी एड्रेस को जो है एडिट कर सकते हो। सो आपको जौन से भी एड्रेस पर प्रोडक्ट ऑर्डर करना है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर जो क्लिक कर देंगे, यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग यहाँ पर चलेगी। सो ये जैसे ही ये लाइन पूरी हो जाएगी तो हमारा जो एड्रेस है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो हमारा एड्रेस यहाँ पर डन हो चुका है, यहाँ पर हमारा नंबर और एड्रेस दोनों सक्सेसफुली चेंज हो गए हैं। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको जो हमारे चैनल पर ऐसी यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियोज हमेशा मिलती रहती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको जो आपको भी किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन आपको हमेशा खुला है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा सी यू।